पर साइन कर दो सलोनी, यही तुम्हारी आजादी का रास्ता भी है और ब्रिजेश सिंह के परिवार की गलती की सजा भी। इस गलती को सुधारने का यही एक रास्ता है बेटा। क्या सोच रही हो बेटा? ये क्या किया तूने? मैं नाहर से तलाक नहीं ले सकती मनोभावी। लेकिन लाडो, जब तू अपनी ससुराल छोड़कर चली आई तो तलाक लेने से इनकार क्यों? मैं नाहर के साथ रहूं या नहीं, ये रिश्ता नहीं टूट सकता। नाहर ने साबित कर दिया है कि उन्हें अपनी भूल का पछतावा है, सजा पाने के लिए भी तैयार है वो। तुझे जीवन भर की सजा देने के बाद कौन सा पछतावा सलोनी? मम्मी, देर से ही सही, लेकिन नाहर को अपनी गलती का एहसास तो हुआ ना। और वैसे भी कागजात पर दस्तखत करने से रिश्ते बनते नहीं और ना ही टूटते हैं। अगर दो लोगों में प्यार ना हो तो साथ रह के भी सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलता। उसी तरह अलग रहकर भी खुश रहा जा सकता है। अगर ये पता हो कि कोई है जो आपको चाहता है। अगर इतना ही प्यार होता तुझसे ना, तो इतनी बड़ी बात नहीं छुपाते वो लोग। मैं अपने परिवार को अदालत में घसीटकर बेइज्जत नहीं करना चाहती। उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, यही काफी है। सजा देने वाली मैं कौन होती हूँ? और फिर मैं ये कैसे भूल जाऊं कि मेरे सिर्फ एक बार कहने पर नाहर अपना प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो गए। नहीं, मैं उन्हें तलाक नहीं दे सकती। सलोनी अब तक मुझसे मिलने नहीं आई, उस तक बात तो पहुंच ही चुकी होगी, फिर भी सलोनी के साथ साथ मैं तुम दोनों का भी गुनहगार हूं, जो मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा राज तुम लोगों से छुपा कर रखा। मैं जानता हूं कि मैं किसी से भी माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा, फिर भी क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? मैं सलोनी से मिलना चाहता हूं, क्या तुम प्लीज उसे? नाहर, सलोनी भी तुमसे मिलना चाहती थी, मगर तुम्हारे परिवार वालों ने उसे मिलने नहीं दिया तुमसे। इनफैक्ट यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि सलोनी को तुमसे ना मिलने दिया जाए। अरे कोई है? कोई है? सुनिए यहाँ पर। एक्सक्यूज मी। यस जी, मैं अपनी पत्नी सलोनी से मिलना चाहता हूँ। लेकिन आपके परिवार वालों ने तो कहा था कि... देखिए, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, अगर कोई बात उठी भी तो वो मेरी जिम्मेदारी। प्लीज मुझे मेरी पत्नी से मिलने की इजाजत दे दीजिए। नील, नील सलोनी से कहना कि अब उसके यहां आने पर कोई रोक नहीं। उससे कहना कि मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूं, सिर्फ एक बार। Thank you.
मैं नाहर से मिलकर आ रहा हूं। कैसे है वो? तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो सलोनी। एक बार मिल लो उससे, प्लीज। तुम्हें क्या लगता है नहीं, क्या मैं नाहर से नहीं मिलना चाहती? लेकिन ब्रजेश भाईसा की खींची हुई लकीर को मैं नहीं पार कर सकती। अब तक तुम सलोनी उनकी आदेश की परवाह कर रही हो, जबकि उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया। नील, उन्होंने जो कुछ भी किया उससे हमारे रिश्ते तो नहीं खत्म हो गए, वो आज भी मेरे लिए बड़े हैं। नहीं जाऊंगी मैं नाहर से मिलने, नहीं जा सकती। देखना नाहर, जब से आई है इसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। लाख समझाए ऐसे कि कुछ खा ले, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं है। नाहर, नाहर, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इस हालत में मिलूंगी। क्या क्या सोच के आई थी मैं, लेकिन तुम यहाँ इस हालत में। काकी साहब, काकी साहब, सलोनी से मिली, कैसी हो? ठीक है, लेकिन नाहर तुम इसे समझाओ ना कि अपने खाने पीने का ध्यान रखे। आई है तब से रंग ही उड़ गया है इसका, रो रो के क्या हाल बना लिया है अपना। प्लीज जूही, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काकी साहब, मैं सलोनी से मिलना चाहता हूं, आप उससे कहिए ना, वो आपकी बात नहीं डालेगी। मुझे एक बार उससे मिलवा दीजिए प्लीज। ठीक है, हम वादा करते हैं ना कि हम सलोनी को यहां जरूर बुलाएंगे। थैंक यू काकी साहब, टेक केयर, चलें। बाय नाहर। कमाल है आंटी, मैं तो समझती थी कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन लगता है यहाँ की हवा आपकी सोचने समझने की शक्ति को उड़ाकर ले गई है। तुम्हारे ताने हम समझ सकते हैं जूही। तुम यही सोचकर परेशान हो ना कि हमने सलोनी को यहाँ भेजने का नाहर से वादा क्यों किया। हम अपना हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। सलोनी के यहाँ आने का मतलब हुआ ब्रजेश की आज्ञा तोड़ना। नतीजा, उस परिवार में सलोनी की रही सही इज्जत भी खत्म हो जाएगी। हवा तो चली है जूही, लेकिन वो हमारी सोच समझ की शक्ति को नहीं, बल्कि सलोनी के उस परिवार के साथ रिश्ते को उड़ा कर ले जाएगी। अरे तुम रो क्यों रही हो अदिति? ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन तुम्हें किसी और की तकलीफ से क्या मतलब है? मुझे नाहर की बहुत फिक्र हो रही है धीर, लेकिन एक भाई को खोने के दर्द को तुम क्या समझोगे? मैं नहीं समझूंगा। मैंने अपनी बहन को तड़पते देखा है महीनों तक, अपनी इन्हीं आंखों से, और वो भी तुम्हारे लाडले भाई नाहर की वजह से। एन वक्त पर शादी करने से इनकार कर दिया था उसने, याद है ना तुम्हें? मेरी बहन के हाथों में तो मेहंदी तक लग चुकी थी, सपने सजाकर नाहर की बारात आने का इंतजार कर रही थी वो, जब तुम्हारा भाई चांदनी के साथ शादी करके उसे इस घर में ले आया। लेकिन इसमें नाहर की क्या गलती है? उसने तो जानबूझकर तुम्हारी बहन का दिल नहीं तोड़ा ना, उस बेचारे को तो कुछ पता भी नहीं था। लेकिन मेरी बहन की जिंदगी तो तुम्हारे भाई की वजह से ही बर्बाद हुई ना। तो नाहर को कौन सा सुख मिला है धीर? वो आज जिस हाल में है वो एक मासूम लड़की की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाकर कोई कभी भी सुखी नहीं रह सकता। ये मत भूलो धीर कि तुम मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हो। फिर तो तुम्हें भी ये याद रखना चाहिए अदिति कि तुम उस इंसान के लिए आंसू बहा रही हो जिसने मेरी बहन को ठुकरा कर उसे जिंदगी भर के लिए बदनाम कर दिया। अरे जब मेरी बहन के अरमानों का खून हुआ था तो मैं तो नहीं रोया था ऐसे, क्योंकि मैं मानता हूं कि इंसान को उसके पापों का फल इसी जन्म में मिलता है।
नार के साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। गांधी जहां भी होगी, स्वर्ग में या नर्क में, लेकिन मेरी बहन की खुशियां छीनने का अफसोस उसे जरूर होगा। गलती नाहर ने की, लेकिन सजा हर उस लड़की को मिलेगी जो उसकी जिंदगी में आएगी, चाहे वो चांदनी हो, सलोनी हो, या फिर कोई और। यहां तू तड़प रही है और वहां नहार तड़प रहा है, एक बार उसे मिल ले सलोनी, सिर्फ एक बार प्लीज, उसके मन को शांति मिल जाएगी। ये आप कह रही हैं काकी सा? आप अच्छे से जानती हैं कि भाई सा नहीं चाहते कि मैं नहार से मिलूं। उनकी आज्ञा कैसे टाल सकती हूं मैं? ये तो इसलिए कह रही है सलोनी क्योंकि तूने नहार की हालत देखी नहीं है। हम नहार से मिलकर आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे वो जीने की तमन्ना ही खो चुका हो। अब तो सिर्फ अपने शरीर का बोझ ढो रहा है वो, जिस इंसान ने तेरे कहने पर अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर ली हो। सलोनी, तो उसकी एक इच्छा पूरी नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती मैं, नहीं कर सकती मैं ऐसा खाकी सा। आप नहीं जानती मेरा एक एक पल कैसे कट रहा है। हर पल एक नई मौत मर रही हूं मैं, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? उस घर में कदम रखते ही भाईसा को अपने पिता का दर्जा दिया था मैंने, उनकी आज्ञा कैसे टालूं? इस रेखा को कैसे पार करूं काकीसा? और अगर हम तुझसे ये कहें कि ब्रिजेश ने खुद अपनी खींची हुई रेखा को पार करने की इजाजत दे दी है तो? हाँ सलोनी, ब्रिजेश इतना निर्दयी भी तो नहीं है कि तेरा दर्द ना समझ सके। सिर्फ वो पूरे परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। उसी ने हमसे कहा है कि हम जाकर तुझे नहार से मिलने के लिए मनाएं, और अगर तू ना माने तभी तुझे बताएं कि उसकी तरफ से इजाजत है नहार से मिलने की। लेकिन एक बात का ध्यान रखना सलोनी, कि इस बात का जिक्र किसी से भी ना हो कि हमने तुझे ये बात बताई है कि ब्रिजेश भी यही चाहता है कि तू जाकर नहार से मिले। हम ये उम्मीद रखते हैं कि तुम हमारा और ब्रिजेश का विश्वास कभी नहीं तोड़ोगी। नहीं काकीसा, ऐसा नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। चलती हूँ। हेलो। हेलो भाभी सा, मैं सलोनी। सलोनी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ भाभी सा। भाई साहब को कहना कि मैं नाहर से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, मैं बता दूंगी। सलोनी, तुम जो कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो। इनफैक्ट मैं ही तुम्हें फोन करके बोलने वाली थी कि तुम जाकर नाहर से मिलकर आओ, काफी परेशान है वो, शायद उसकी परेशानी कम हो जाए। सलोनी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। पुलिस स्टेशन में सबके सामने मैं तुम्हारी ओर से कुछ नहीं बोल पाई। कोई बात नहीं भाभी सा, मैं समझ सकती हूँ। आप सब भी मुझसे बहुत नाराज होंगे। नहीं सलोनी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। और घर पे कोई होता भी है तो तुम परेशान मत होना। तुम जो कर रही हो अगर वो गलत होता तब मैं तुमसे नाराज होती। मैं तुम्हारे इस फैसले का सम्मान करती हूँ। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। जी भाभी सा। हैरानी हो रही है मुझे भाभी सा, जिस सलोनी की वजह से आज इस घर का एक सदस्य जेल में है, आप उसी से इस तरह बात करिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अपने दिल से ये गलतफहमी निकाल दो कि नाहर सलोनी की वजह से जेल में है। सलोनी नाहर से इतना प्यार करती है, नाहर की दुश्मन नहीं है वो, वो तो सिर्फ उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। क्या सही रास्ता? सही रास्ता भाभी सा, आज जिस रास्ते पर नाहर निकल चुका है ना,
उस रास्ते पर बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं है। सारी जिंदगी इस रास्ते पर संघर्ष करते हुए काटनी पड़ सकती है और जिंदगी इसी रास्ते पर खत्म भी हो सकती है। अदिति सा, आप जानती भी आप क्या बोल रही हैं और आप जानती हैं कि आप क्या कर रही हैं। आप उस सलोनी का साथ दे रही हैं जिसने इस घर को, इस घर की शांति को, इस घर की इज्जत को बर्बाद कर डाला है। चाहे सलोनी सही हो या गलत हो, आप हमेशा उसी का साथ देती हैं। क्यों? मैं सलोनी का साथ नहीं दे रही, मैं सच्चाई का साथ दे रही हूँ। ये अजीब बात है कि हमेशा सच्चाई सलोनी के साथ होती है। मैं अब जाने भी दो तुम दोनों, क्यों इतना झगड़ा कर रही हो? अरे ऐसे कैसे जाने दे भाभो? कैसे सलाइली जी को उस सलोनी का साथ देता देखकर बैठे रहे जिसने साले साहब को जेल की कालकोठरी में भिजवा दिया। बस कीजिए प्लीज, फॉर गॉड सेक झगड़ना बंद कीजिए। मैं इस परिवार को यूं बिखरते हुए नहीं देख सकती। तारा, सारा परिवार एक तरफ है, तुम अकेली एक तरफ। मान क्यों नहीं जाती कि सलोनी ने गलत काम किया है? मैं नहीं मानूंगी बाबू। काकी सब, आप तो इस घर की बड़ी है ना, आप सलोनी को इतना गलत कैसे ठहरा सकते हैं? सलोनी की वजह से आप आज घर में, वरना आपको भी यहां से। बस तारा, इनफ। बड़ों से बात करने की तमीज खो चुकी हो तुम। हद कर दी इस लड़की ने। मना करने के बावजूद भी वो नाहर से मिलने चली गई। पता नहीं अब कौन सा नया गुल खिलाएगी ये लड़की। मिस्टर नाहर जी, एक्चुअली मिस्टर नाहर बात यह है कि बिना रिमांड के हम आपको यहाँ 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते, इसलिए हमें आपको जेल शिफ्ट करना होगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि रिमांड की कोई ज़रूरत है क्योंकि आप अपना जुर्म पहले ही कबूल कर चुके हैं। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए, कोई मिलने आ रहा है घर से। ठीक है, देख लेते हैं। हवलदार। थैंक यू सर। चलिए जल्दी कीजिए, बहुत वक्त हो चुका है। चलिए हवलदार, लेके चलो। भाई साहब टाइम हो गया। चलिए हवलदार,
लेके चलो।